इंकर्ट गुरु के हिंदी जीके और हिंदी करंट अफेयर्स सेक्शन में आपका स्वागत है। हिंदी सामान्य ज्ञान तथा हिंदी करंट अफेयर्स को समर्पित चैनल है। यह चैनल प्रतियोगिता परीक्षाओं जैसे एसएससी, आईबीपीएस, बैंकिंग, राजस्थान आरपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, आरआरबी, यूपीएससी इत्यादि प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल इंकार्ट गुरु दैनिक करंट अफेयर्स क्विज। इस सेक्शन में हम दैनिक रूप से तथ्यात्मक प्रश्नों की एक क्विज प्रश्नोत्तरी प्रकाशित करते हैं। यह प्रश्नोत्तरी बैंकिंग, एसएससी, राज्य स्तर की परीक्षाओं, रेलवे इत्यादि के लिए उपयुक्त है। 15 अप्रैल 2018 हिंदी जीके एवं करंट अफेयर्स प्रश्नोत्तरी। एक, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन किस शहर में होगा? करेक्ट आंसर, नई दिल्ली। एक्सप्लेनेशन, इंडिया मोबाइल कांग्रेस का आयोजन नई दिल्ली में होगा। इसका आयोजन 25 अक्टूबर 2018 से 27 अक्टूबर 2018 तक होगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2018 का आयोजन डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन डॉट और सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया कोई करेंगे। इसकी जानकारी 13 अप्रैल को रेल राज्य मंत्री और संचार राज्य मंत्री मनोज सिन्हा ने दी। इसमें 1300 सेकंड ज्यादा प्रदर्शनी लगेंगी। इसमें 200,000 से अधिक प्रोफेशनल हिस्सा लेंगे। पिछले साल भी दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस की प्रदर्शनी लगी थी। तो राष्ट्रमंडल खेलों में टेबल टेनिस में सिंगल में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? करेक्ट आंसर, मनिका बत्रा। एक्सप्लेनेशन, मनिका बत्रा टेबल टेनिस में महिला सिंगल में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है। उन्होंने फाइनल मुकाबले में सिंगापुर की मेंगयू को 4-0 हराया। उन्होंने 11-7, 11-6, 11-2, 11-7 सेकंड फाइनल में जीत दर्ज की। मनिका बत्रा ने मोमा दास के साथ सिल्वर भी जीता था। इसके अलावा पुरुष वर्ग में शरद कमल और जी साथियान ने रजत पदक जीता है। तीन, राम कुमार, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस क्षेत्र से थे? करेक्ट आंसर, चित्रकार। एक्सप्लेनेशन, भारत के प्रसिद्ध चित्रकार राम कुमार का 94 वर्ष की उम्र में 14 अप्रैल को निधन हो गया। उनका जन्म 1924 में तत्कालीन ब्रिटिश पंजाब, वर्तमान हिमाचल प्रदेश के शिमला में हुआ था। वो अमूर्त कला के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्हें 1972 में पद्मश्री, 1972 में ही प्रेमचंद पुरस्कार, 1986 में कालिदास सम्मान, 2010 में पद्म भूषण, 2011 में ललित कला अकादमी की आजीवन फेलोशिप से सम्मानित किया गया। चार, राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन सी है? करेक्ट आंसर, मैरी कॉम। एक्सप्लेनेशन, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी मैरी कॉम है। उन्होंने 45-48 किग्रा वर्ग में आयरलैंड की क्रिस्टिना ओहारा को 5-0 हराया। मैरी कॉम मुक्केबाजी में 5 बार की विश्व विजेता है। इसके अलावा पुरुष वर्ग में गौरव सोलंकी ने 52 किलो वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। विकास कृष्ण ने 75 किग्रा वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। पांच, विश्व हिंदू परिषद के नए अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? करेक्ट आंसर, विष्णु सदाशिव कोपचे। एक्सप्लेनेशन, विश्व हिंदू परिषद के नए अध्यक्ष विष्णु सदाशिव कोपचे चुने गए हैं। विष्णु सदाशिव कोपचे हिमाचल प्रदेश के पूर्व गवर्नर और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश हैं। वो 14 अप्रैल 2018 को गुरुग्राम में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष चुने गए।
विश्व हिंदू परिषद के इतिहास में यह पहला चुनाव था। कोपचे को 131 मत प्राप्त हुए, जबकि प्रतिद्वंद्वी राघव रेड्डी को 60 मत प्राप्त हुए। विश्व हिंदू परिषद 1964 में स्थापित एक हिंदू धर्म का संघ है। इसकी स्थापना एमएस गोलवलकर और एसएस अप्टे ने की थी। वर्तमान में विश्व हिंदू परिषद के 70 लाख सदस्य हैं। 6. राष्ट्रमंडल खेल 2018 में समापन समारोह में भारत की ध्वजावाहक कौन है? करेक्ट आंसर मैरी कॉम। एक्सप्लेनेशन: ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में चल रहे राष्ट्रमंडल खेलों में समापन समारोह में भारत की ध्वजावाहक मैरी कॉम है। राष्ट्रमंडल खेल 4 अप्रैल से 15 अप्रैल तक चले। इसकी ओपनिंग सेरेमनी में भारत की ध्वजावाहक पीवी सिंधु थी। भारत ने इस साल 66 मेडल जीते, जो पिछले बार के मुकाबले 2 ज्यादा थे। 7. 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में पदक सारणी में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? करेक्ट आंसर 3. एक्सप्लेनेशन: 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने पदक श्रेणी में 3रा स्थान प्राप्त किया है। ऑस्ट्रेलिया 80 स्वर्ण, 59 रजत और 59 कांस्य पदक के साथ 198 पदक जीतकर पहले स्थान पर रहा। इंग्लैंड 45 स्वर्ण, 45 रजत और 45 कांस्य पदक जीतकर कुल 136 पदकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। भारत 26 स्वर्ण, 20 रजत और 20 कांस्य पदक जीतकर कुल 66 पदकों के साथ तीसरे स्थान पर रहा। कनाडा 15 स्वर्ण, 40 रजत और 27 कांस्य पदक के साथ कुल 82 पदक जीतकर चौथे स्थान पर रहा। न्यूजीलैंड ने 15 स्वर्ण, 16 रजत, 16 कांस्य सहित कुल 46 पदक जीतकर पांचवें स्थान पर रहा। कुल पदकों की संख्या में भारत कनाडा से पीछे था, लेकिन स्वर्ण पदकों के आधार पर भारत कनाडा से आगे रहा। 2010 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 2रा और 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने 5वां स्थान प्राप्त किया था। 8. 2022 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस देश में होगा? करेक्ट आंसर इंग्लैंड। अगले राष्ट्रमंडल खेल 2022 में आयोजित होंगे। ये 22वें राष्ट्रमंडल खेल होंगे। इनका आयोजन इंग्लैंड के बर्मिंघम में होगा। बर्मिंघम का चयन बिना वोट के लिए किया गया। इसका आयोजन 27 जुलाई से 7 अगस्त के बीच होगा। यह आयोजन अलेक्जेंडर स्टेडियम में होगा। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में हुआ। 2014 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन स्कॉटलैंड के ग्लासगो में हुआ। 2010 राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन भारत में नई दिल्ली में हुआ। 9. कृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? करेक्ट आंसर आंध्र प्रदेश। एक्सप्लेनेशन: कृष्णा वन्य जीव अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में है। यह आंध्र प्रदेश के जलीय सदाबहार क्षेत्र में है। यहाँ किंगफिशर पक्षी की अनेक प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यह मच्छीपट्टनम शहर के पास है। इसका क्षेत्रफल 194.81 वर्ग किमी है। 10. भारत रूस के बीच 3रा सैन्य औद्योगिक सम्मेलन किस प्रदेश में आयोजित हुआ है? करेक्ट आंसर तमिलनाडु। एक्सप्लेनेशन: भारत रूस के बीच 3रे सैन्य औद्योगिक सम्मेलन का आयोजन तमिलनाडु में हुआ है। यह आयोजन तमिलनाडु के चेन्नई में हुआ था। इसमें भारत और रूस के बीच 7 सूत्रीय समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इन समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भारतीय प्राइवेट डिफेंस सेक्टर की कंपनी और रूसी मूल उपकरण निर्माता कंपनियों के मध्य किए गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।